एक और मामला आया बाबा का सामने। दिल्ली के जाने माने बाबा दाती महाराज पर लगे हैं रेप का आरोप। सनी धाम के प्रमुख दाती महाराज, उनकी महिला शिष्या ने लगाया है बाबा पर रेप का आरोप। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दाती महाराज के खिलाफ धारा 376, 370, 354 और धारा 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दाती महाराज न्यूज चैनल पर राशि ग्रहों के बारे में बताते हैं, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मदनलाल, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। देश में बाबाओं के बड़े बड़े किस्से सुने जाते हैं। इन किस्सों में प्रेरणा भरी कहानी नहीं बल्कि कर्मों की कहानी ज्यादातर सुनने को मिलती है। और अब एक और ऐसा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली के जाने माने बाबा सनी धाम के प्रमुख दाती महाराज पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि उन्हीं की एक महिला शिष्या ने दाती महाराज पर रेप का आरोप लगाया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारा राजस्थान न्यूज सच दिखाता है के साथ। एक और बलात्कारी बाबा का हुआ भंडाफोड़। शिष्या से रेप के आरोप में दाती महाराज के खिलाफ केस दर्ज। आसाराम नारायण साई आध्यात्मिक गुरु वीरेंद्र और डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बाद अब एक और धर्म गुरु दाती महाराज पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। दाती महाराज के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में 376, 370, 354 और 34 के तहत केस दर्ज हुआ है। महाराज की एक शिष्या ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने शिकायत में कहा है कि 2 साल पहले दाती महाराज ने शनि धाम में उनके साथ रेप किया था, लेकिन बदनामी ऑर्डर की वजह से वह इतने दिनों तक चुप रही और शिकायत भी नहीं की। साउथ दिल्ली और पुलिस की डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने दाती महाराज के अलावा 3 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। रेप का आरोप लगने के बाद से दाती महाराज दिल्ली स्थित अपने आश्रम से गायब है। बता दें कि अलवर में जन्मे दाती महाराज दिल्ली के सनी धाम के संस्थापक हैं और कई टीवी चैनलों पर नियमित रूप से राशिफल प्रस्तुत करते हैं। दक्षिण दिल्ली में उनका एक विशाल फार्म हाउस है। कई नामी हस्तियां यहाँ पहुँचती है। दाती महाराज पंचांग और राशिफल से जुड़े वीडियो और अन्य जानकारियाँ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। उनके फेसबुक पेज को 34 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। पीड़िता ने महाराज पर यह आरोप लगाते हुए बताया कि वह पिछले 1 हफ्ते से संघर्ष कर रही है। साथ ही उसे और उसके परिवार को अब जान का खतरा सताने लगा है, जिसकी वजह से वह पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने आप बीती बताते हुए कहा कि वह बाबा की गुफा में चरण सेवा के लिए गई थी। गुफा में इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही वहां पर एलईडी पर भी कपड़ा बांधा हुआ था। पीड़िता ने आगे बताया कि दाती महाराज ने वही अंधेरे में उसे पीछे से दबोच लिया और उसके साथ कुकर्म किया। साथ साथ उसके गुर्गों ने भी उसके साथ रेप करते रहे। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि इस मामले को केस दर्ज करने से सभी पुलिस वाले कतरा रहे थे। इस दौरान उसे और उसके परिवार को हर बार एक थाने से दूसरे थाने दौड़ाया गया, जिसके बाद पता चला कि मामला फतेहपुर बेरी का है। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज कराया, जिसके बाद महाराज पर आईपीसी की धारा 376, 370, 354 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।